एक हफ्ते पहले ही डायरेक्टर अभिषेक कपूर और प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा फिल्म केदारनाथ को लेकर आमने सामने आ गए थे। गटू अभिषेक का निकनेम ने फिल्म की को प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा पर आरोप लगाया कि वे फिल्म के लिए पैसे कम दे रही हैं। इस बात के लिए गटू ने प्रेरणा को नोटिस थमा दिया। ऐसे में प्रेरणा की टीम ने भी गटू के बारे में कई सेंसिटिव जानकारी मीडिया में लीक कर दी। उन्होंने बताया कि गटू इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, जिनमें शाहरुख खान, करण जौहर और रोहित शेट्टी शामिल हैं। जीरो से बेहतर है केदारनाथ। अभिषेक और प्रेरणा की लड़ाई के पीछे का सबसे पहला रीजन था उनकी फिल्म केदारनाथ से शाहरुख की फिल्म जीरो का क्लैश होना। प्रेरणा नहीं चाहती थी कि उनकी फिल्म शाहरुख की फिल्म से क्लैश हो, इसलिए उन्होंने गटू को रिलीज डेट आगे शिफ्ट करने का सजेशन दिया। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, इस सजेशन से गटू का ईगो हर्ट हो गया और इसलिए उन्होंने प्रेरणा के ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने के बाद भी ट्वीट किया कि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई लोगों को जीरो का टीजर रिलीज होने से पहले एक मैसेज भी भेजा। इस मैसेज में उन्होंने लिखा कि मैंने टीजर देख लिया है और फिल्म में शाहरुख एलियन जैसे लग रहे हैं। दरअसल गटू बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी फिल्म जीरो से बेहतर है। आगे जाने अभिषेक ने और क्या क्या कहा है। साउथ की मिक्सिंग लगती है धड़क। केदारनाथ से सारा अली खान डेब्यू कर रही है। वहीं करण जौहर की फिल्म धड़क से श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर भी डेब्यू कर रही है। जब धड़क का पहला पोस्टर लॉन्च हुआ तब गटू उसके खिलाफ भी बोले। सूत्र दावा करते हैं कि गटू फिल्म के बारे में कहते हैं कि यह किसी साउथ की फिल्म की मिक्सिंग लगती है। उन्होंने यह तक कहा कि फिल्म के पोस्टर में केमिस्ट्री की कमी है। वे जाह्नवी को सारा के लिए खतरा नहीं मानते। सिम्बा समय पर तैयार ही नहीं होगी। अगर गटू अपनी फिल्म 21 दिसंबर को लॉन्च करते हैं तो अगले हफ्ते उन्हें 28 दिसंबर को रिलीज होने वाली रणबीर सिंह और रोहित शेट्टी की सिम्बा का सामना करना पड़ेगा। सूत्राएं के मुताबिक गटू इस फिल्म को लेकर भी कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि यह फिल्म तय समय पर रैप अप ही नहीं हो पाएगी। उनका मानना है कि सिम्बा समय पर तैयार होकर रिलीज ही नहीं हो पाएगी।